नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। दाऊदनगर बेंदिया थाना की पुलिस ने कई नक्सली कांडों के वांछित एक नक्सली को बेंदिया थाना क्षेत्र के चपरा के पास से गिरफ्तार किया है। एस डी पी ओ कुमार ऋषिराज ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया कि शुक्रवार की दोपहर बेंदिया थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सिरघाटी थाना का एसटीआर 140/14 और टीआर 1133/23 में गोथाना द्वारा उसके घर पर चिपकाए गए इश्तिहार के नक्सली अर्जुन पासवान उर्फ रमेश पासवान अपने गांव में आया हुआ है। उक्त सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु बेंदिया थाना अध्यक्ष द्वारा टीम गठित कर उक्त नक्सली की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की गई। पुलिस उक्त स्थान पर पहुंची तो उक्त नक्सली वहां पर मौजूद नहीं था। छापेमारी टीम द्वारा इधर उधर खोजबीन किया जाने लगा। उक्त स्थल से लगभग 150-200 मीटर की दूरी पर 2-3 व्यक्ति खेत के पास नजर आए। पुलिस के उस तरफ जाने पर उसमें से एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस बल के साथ पीछा कर काफी मशक्कत के बाद पकड़ लिया गया। पकड़ाए नक्सली को विधिवत गिरफ्तार कर थाना लाया गया। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। उसके विरुद्ध विभिन्न थानों में केस दर्ज है। वहीं एस डी पी ओ ने यह भी बताया कि पुराने लगभग 8-9 मामले में इसके खिलाफ केस दर्ज है। अन्य जिलों और औरंगाबाद जिले के अन्य थानों में पता लगाया जा रहा है कि और कौन कौन मामले में वांछित है। छापेमारी टीम में थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार के अलावा पीएसआई मोहित कुमार, सिपाही लोमेश कुमार झा, बेंदिया थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार, आशीष कुमार और गौतम तांती भी शामिल रहे। आगे सुनिए प्रेस वार्ता के दौरान एस डी पी ओ कुमार ऋषिराज ने इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी दी है। आज सुबह में लगभग 12 बजे के आसपास बेंदिया थाना प्रभारी को सूचना मिली कि एक पुराना नक्सली अर्जुन पासवान वो अपने घर पर आया हुआ है, जो कई कांडों में, पहले के पुराने कांडों में भी वांछित है। कई जगह उसका इश्तिहार कुर्की वगैरह भी निकला हुआ है और हाल में बेंदिया में भी 353 का मामला था उस पर, मतलब सरकारी कार्य में बाधा डालने का। तो सूचना के सत्यापन में थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने टीम बनाकर और छापेमारी की। तो जहां सूचना मिली थी वहां पर तो नहीं, पर वहां से कुछ दूरी पर जब लोग धरपकड़ किए तो यह नक्सली जो पुराना है वो पकड़ाया है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और इनमें पुराना लगभग 8-9 मामले हैं, बाकी अन्य जिला में भी मामले हैं और हम लोग और तलाश रहे हैं अन्य थाना में कौन कौन से कांड हैं। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? बेंदिया में, चपरा से, उसके गांव जो उसका गांव है उसी के पास से।